हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल एग्जॉटिक टीवी। और आज मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी फिशिंग रॉड को लेकर के और डाइवा की स्पिनिंग रॉड और फिशिंग रॉड भी डाइवा की है, जुपिटर पावर्टी। और मैंने अमेजन से ब्रांडेड लाइन मंगाई है काफ़ी चीप प्राइस में, वो थोड़ा चाइनीज़ है, ब्रांडेड नहीं है। तो लाइन की टेस्टिंग करेंगे, रोड की टेस्टिंग करेंगे, स्पिनिंग रील की तो टेस्टिंग होगी नहीं। अगर स्पिनिंग रील को अगर घर पे कोई वेट डाल के अगर स्पिनिंग करोगे तो स्पिनिंग रील का जो हैंडल होता है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट का टूटने का डर है। तो काफ़ी महंगी आती है डाइवा की रील वगैरह, रोड वगैरह। तो रोड भी देखो, अगर रोड से खींच के निकालोगे तो रोड की टिप या रोड बीच में से ब्रेक हो जाती है, उससे नुकसान होता है काफ़ी। तो मैं भी ये रिस्क उठाऊँगा, चलो कोई बात नहीं, अगर रोड ब्रेक हो जाएगी तो देखेंगे। तो रिस्क उठाऊँगा मैं, रोड की टेस्टिंग दिखाऊंगा, रोड की जो रोड पे अपने ब्रेडेड लाइन को रिंग पे कैसे लगाते हैं वो भी दिखाऊंगा। रोड की टेस्टिंग वाटर बोतल से, 1 लीटर की वाटर बोतल से और 2 लीटर की वाटर बोतल से, दोनों की टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, चलो देखते हैं। ब्रांड डाइवा MGS 4000 सीरीज की ये रील है, स्पिनिंग रील। ये देखिए डाइवा का लोगो, मेड इन वियतनाम। ये देखिए, इसको ड्रैग को थोड़ा टाइट करते हैं, इसके हैंडल को, इसके हैंडल को टाइट करते हैं दोस्तों, थोड़ा जब ये ड्रैग करेंगे। ये देखिए ऐसे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रॉग, ये मरल फिश, ये देखिए दोस्तों, ये है नाइलॉन। नाइलॉन में ये फिश ऑन करके फिशिंग लाइन है, ये काफ़ी मजबूत है, 45 किलो तक की मछली को निकाल के बाहर कर सकती है। ये 120 नंबर की लाइन है, ये देखिए 1.20 mm। इसका जो ड्रैग करने की जो 45 किलो तक की टेस्टेड है, 45 kg की मछली पे टेस्ट की हुई है। ये देखिए काफ़ी मोटी है, नायलॉन की है,
ये देखिए काफ़ी थिक मोटी है थिक। तो आगे चलते हैं, ये है ब्लू फॉक्स के स्पिनर 5 नंबर, ये देखिए ब्लू फॉक्स ये स्पिनर है। ये आपको कैटफिश पकड़ने के ज़्यादा काम आते हैं, ये अपनी जो लाची फिश बोलते हैं पड़न, उसमें काफ़ी बेस्ट होते हैं पड़न फिश, ये लाची भी बोलते हैं इसको, उसे पकड़ने के लिए काफ़ी बेस्ट फिश ये स्पिनर होते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों स्पून, ये भी सेम काम करते हैं, ये 5 नंबर का इसमें ट्रिपल हुक लगा हुआ है, ये देखिए ये 5 नंबर का ट्रिपल हुक है इसके अंदर स्पून। ये दोस्तों ये मैंने कैबल आउटडोर से नहीं मंगाया, ये मैंने लोकल शॉप से ही मंगवाया है, ये मुझे 250 रुपये का या 250 रुपीज़ का एक स्पिनर पड़ा है, ये स्पून पड़ी है 120 रुपीज़ की एक स्पून, ये घर में ही बना सकते हो आप, ये मैंने ऐसी ले ली थी, ये दोस्तों मुझे अच्छा लगा मैंने ले ली, काफ़ी डिजाइन विजाइन बना हुआ था इस पर तो मैंने स्पून ले ली। तो ये देखिए, ये देखिए आप स्नैप पेंसिल, स्नैप पेंसिल काफ़ी अच्छे हैं ये भी, अगर आप फिशिंग करने जाते हैं लीडर वगैरह, अगर आपको लाइन में लीडर वगैरह लगाना आता है तो ये लीडर लगाने के काफ़ी काम आते हैं, स्नैप पेंसिल का काम यही होता है लीडर के लिए, ये देखिए स्नैप पेंसिल। और ये काफ़ी पुराना, मैं आपको अपना स्पिनर दिखाता हूँ स्पून वाला, ये देखिए ये इसमें ये 7 नंबर का ये ट्रिपल हुक लगा हुआ है, अगर कैमरा फोकस करे तो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 7 नंबर है, तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हुक, ये देखिए ये है 5 नंबर ट्रिपल हुक, ये काफ़ी, अगर ये जो अगर फिश आपकी जो स्पिनर्स वगैरह होते हैं स्पून में, अगर फिश आपकी इनको हुक को अगर टेढ़ा कर दे, ब्रेक कर दे या ब्रेक इसको बेकार कर दे तो इसको चेंज कर सकते हो आप, ये देखिए ये काफ़ी मजबूत है, और ये 5 नंबर का ट्रिपल हुक था दोस्तों, और ये है 8 नंबर, ये 8 नंबर का हुक है, ये काफ़ी बड़ी मछली के लिए गूंज वगैरह जो काफ़ी जो बिग साइज़ की फिश होती है उनको कैच करने के लिए होता है, इसका साइज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये 8 नंबर का हुक है, ये देखिए दोस्तों ये है 4 नंबर, अपनी कार फिश कैट फिश को पकड़ने के लिए काफ़ी शार्प होते हैं, अगर इससे एक बार मछली हुक हो जाए तो बहुत ही कम चांस होते हैं दोस्तों इससे मछली निकल जाए, ये निकलेगी नहीं, काफ़ी शार्प होते हैं, अच्छी कंपनी का है, जर्मनी का है, ये देखिए 4 नंबर हुक, और आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों 7 नंबर, ये 7 नंबर का हुक है, ये भी काफ़ी काम होता है 7 नंबर का हुक, ये भी काफ़ी शार्प होता है, ये भी 4 से 5 किलो की जो फिश होती है उसके लिए होता है, ज़्यादा बेस्ट होता है ये,
और दोस्तों ये हार्ड लेयर्स में आती है फिशेस, ये हार्ड लेयर्स की फिश है। ये मुझे जो मैंने अमेजोन से हंटिंग हॉबी से जो टेलीस्कोपिक रोड मंगाई थी, ये मुझे सब कुछ उसी के साथ मिला था। लेकिन ये जो स्नैप एंड स्वेल है मैंने अलग से ली, और ये देखिए दोस्तों इसको दिखाते हैं आपको। ये जो टेलीस्कोपिक रोड जो है ये मेरी 6 फीट की है, 6 फीट की टेलीस्कोपिक रोड है। इसको ना ले, बेकार है यार ये, इसको तो मैं बोलूँ ना ही ले। तो चलो अब ये जो हमारी तो फ्रेंड्स ये जो ब्रेडेड लाइन है ये देखिए चाइनीज़, इसको अपने डाइवा की जो ये 4000 सीरीज़ की रील है इस पर चढ़ाते हैं। चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये हमारी जो डाइवा की 4000 सीरीज़ की MGS 4000 सीरीज़ की जो ये डाइवा की स्पिनिंग रील है, इसमें मेरी ब्रेडेड लाइन है 50, ये 100 मीटर की थी, 50 मीटर जो 50 मीटर है मैंने अपने उसमें जो मेरी लोकल रील है 3000 की लियो कंपनी उसमें लगा रखी है, और 50 मीटर मैं इसमें लगाऊंगा। और आज इसका घर पे ही टेस्ट करेंगे इस रील का कि कितनी मजबूत है। देखो फिशिंग के लिए तो अभी जा नहीं पा रहे, एक तो ठंड की वजह से जा नहीं पा रहे। तो अभी ये हमने इसका ये निकाल लिया है बेलाम का हटा करके, स्पून इस पर एक नोट लगाते हैं इसको चढ़ाने के लिए पहले, ठीक है दोस्तों। इस पर हम एक जल्दी से एक नोट लगा लेते हैं, इसमें नोट लगा दी है, और नोट लगाने के बाद हमने बेल आर्म को इसको बंद कर दिया है। और आप कोई कपड़ा हो, कोई मोटा सा या कागज़ वगैरह हो, अपनी जो फिशिंग लाइन है इसको इस तरह से इस पर कैरी कीजिए यहाँ पे, और इसको ऐसे पकड़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि जो अपनी लाइन है, ये जो अपनी रील है इस पर थोड़ा टाइट चढ़ेगी, और टाइट से फिर जैसे अब रील ढीली ढीली सी होती है तो उसमें दिक्कत होती है। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा टाइट चढ़ेगी, और उसमें रील को स्पिनिंग करना पहले धीरे से कीजिए, फिर टाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अध्यक्ष नहीं बनने देगा भाई वीडियो। हो गई है, पॉज कर दे। ये दोस्तों ये लाइन ब्रेडेड लाइन हमारी परफेक्टली बिल्कुल हमारी स्पिनिंग रील पे चढ़ गई है। अब इस लाइन का होम टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी बाहर फिशिंग के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अभी जाना नहीं हो रहा, काफ़ी सर्दी है और सर्दियों में फ़िशिंग कम होती है, सीज़न नहीं है, तो कुछ घर के घरेलू चीज़ों पर ही इसको टेस्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि इस लाइन की आप देख रहे हैं, ये जो ब्रेडेड लाइन मैंने आपको दिखाई थी 100 मीटर 4x, इसका टेस्ट होएगा। इस लाइन का भी टेस्ट करेंगे हम, और ये जो मैंने डाइवा की पावर जुपिटर पावर टिप की जो रोड है इसका भी टेस्ट लेंगे, और थोड़ा बच्चों को बना, और ये जो हमारी स्विंग रील लगी हुई है उसका भी टेस्ट लेंगे। और टेस्ट किस तरह लेंगे, घर में लेंगे हम, घर में हम किस तरह टेस्ट लेंगे हम आपको बताएं। सो गाइज हम इस रील रॉड और ब्रेडेड लाइन का घर के अंदर ही टेस्ट लेंगे। ये 1.5 लीटर की वाटर बॉटल से, ये 1.5 लीटर की वाटर बॉटल है, 1.5 लीटर वाटर बॉटल, इससे टेस्ट लेंगे इस लाइन का, फिशिंग रोड का जो पावर टिप है, पावर टिप इस रोड को बोलते हैं, इसकी टिप भी चेक हो जाएगी कितनी ये, क्योंकि कई रोड ऐसी होती है दोस्तों, जैसे फिश ऑन होने के बाद अगर आपको फिश ऑन होती है, फिश को हुक करते हो आप, तो वह पानी में तो फिश काफ़ी फाइट करेगी, जैसे ही उसको किनारे पे ले जा करके आप उसको अगर रोड की मदद से उसको उठा कर अगर साइड में रखोगे, कई बार रोड ब्रेक होने का चांस होता है। तो देखिए ये काफ़ी महंगी रोड है, अभी तो फर्स्ट टाइम ही इसकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाई है। हम रिक्स लेंगे, अगर ब्रेक होती है तो इसे इसका टेस्ट लेंगे लाइन का, और इसका ये मेरा बेटा है दक्ष, हाय कीजिए।
तो चलो इस बच्चे से पहले वाटर बॉटल को खिंचवाते हैं, ये इधर आ जाए। चलो बेटा खींचना, एक बार खींचो, ऊपर उठाओ, उठाओ ऊपर, उठाओ 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 ऊपर। ये देखिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इसको उठाना। बस 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 बस, अब ये देखिए मैं अभी से इसकी टिप का, रोड की टिप का, लाइन का, व्हील का और इस बोतल का, बोतल से टेस्ट लेंगे। तो चलिए इधर आके शूट कीजिए। यार क्या क्या करना पड़ता है, उधर दिखाओ पहले बोतल की तरफ, टिप की तरफ दिखाओ, रोड की टिप, वाइट वाली टिप जो है वो दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब लाइन से बोतल तक दिखा, नीचे तक बोतल तक दिखा, यहाँ दिखा, मेरे को दिखा, इधर ऐसे ऐसे दिखा, एक मिनट। तो गाइस हम ट्राई करने वाले हैं ये 2 लीटर की बोतल पे, ये देखिए 2 लीटर, इस पर ट्राई करेंगे अपनी रोड की मजबूती को, फिशिंग लाइन की मजबूती को। रील देखो दोस्तों, रील के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर काफ़ी नज़दीक से रील को अगर हम ड्रैग करेंगे, रील को अगर हम करेंगे तो रील का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके काफ़ी चांस होते हैं ब्रेक होने का। इसलिए दोस्तों रील को तो मैं अभी ड्रैग करूँगा, क्योंकि छोटी जगह से ड्रैग करने में रील पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, जिससे वो ब्रेक हो सकती है, नहीं रील है टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, केवल इसकी रोड की टेस्टिंग करेंगे, लाइन की टेस्टिंग करेंगे, और उसको काफ़ी मैं अपनी छत की हाइट से इसको उठा कर दिखाऊँगा कि कितनी ऊपर तक रोड उठाती है और ये कितनी बैंड होएगी। ये रोड की जो ये 2 पीस रोड है, यहाँ से इसकी पूरी जान लगती है, यहाँ से 2 पीस इसका जुड़ा हुआ है, ये देखेंगे कितनी कितनी बैंड होती है और कितना ये 2 लीटर 2.5 लीटर तक का वज़न उठा सकता है, क्योंकि इससे पहले अभी हमने डेढ़ लीटर की बोतल ही उठाई थी। अब इसको देखते हैं उठा के, चलो लेट्स गो देखते हैं। हेलो गाइस, टेस्टिंग करेंगे हम, फ्लोर पे से खींचेंगे और उसकी टेस्टिंग देखेंगे, रील की, थोड़ी रील की, लाइन की, रोड की, ठीक है। So let's begin, guys. I hope your test will chal jaye. Ye how ke khicho? Khicho papa. Haan ji mamma. Ye le. Chalo. Ye guys is a perfect. Ha. ओके गाइस, इसा ओके टेस्ट पास हुई, इसा मैं और आएगी शायद, चलो और करते हैं। हाँ करो, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैं बाहर जाकर अलग जगह पर कहीं फ़िशिंग करके भी आपको दिखाऊं, तो अभी सर्दी का मौसम है, फ़िशिंग का सीज़न नहीं है, जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा फ़िशिंग करके भी मैं फ़िशिंग की वीडियो भी डालूँगा, अपलोड करूँगा, अगर बाहर जाके फ़िशिंग, कार फ़िशिंग, कैट फ़िशिंग करके मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप चाहते हो मैं फ़िशिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डालूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।